देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय नमः कृष्णस्य वंगम स्वरूपाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तोर्घ्यं मुखियाजनीयं सर्वांगेष्टानां समर्पयामि इष्टानान्ते च वस्त्रं समर्पयामि ओम नमः Thank you.
जय श्री गहन धाम
श्री राधा माधव जी को सरकार के परम कृपा से हम सभी लोग उनका पावन यश जिसका श्रम लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं, श्रीमद् भागवत जी तेने यम वाममयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणा पाना दर्शना पापनाशी श्री ठाकुर जी का वाममय विग्रह होने से उनकी शब्दमयी प्रतिमा होने से इसका सेवन इसका श्रवण इसका पठन दर्शन जीव का तत्काल पाप नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवत को यदि एक शब्द कहा जाए तो श्रीमद् भागवत को एक शब्द में कहा जाए तो वो है नाम संकीर्तन, जिसमें प्रारंभ से और आखिर तक केवल भगवान नाम की चर्चा भगवत चर्चा ही इसमें हुई है और कोई चर्चा नहीं। इसलिए वेद उपनिषद आदि का सार इसे कहा गया। वेद उपनिषद रूप कल्प वृक्ष का गलत फल पका हुआ फल इसे कहा, रसमय फल इसे कहा, क्योंकि हर शब्द हर अक्षर कृष्ण स्वरूप है। इसका श्रवण लाभ बिना कृपा के सुलभ हो ही नहीं सकता है। तो हम सब ये ठाकुर जी की कृपा इस कथा के श्रवण के माध्यम से जो प्राप्त कर रहे हैं, कल हम सभी ने प्रथम स्कंध की कथा का श्रवण किया था, दूसरे स्कंध के भी कुछ अंशों की चर्चा हम लोगों ने सुनी थी। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से सृष्टि विषय प्रश्न किए हैं। कैसे भगवान सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। परीक्षित जी के इन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से उन्हें दिया है। ये भागवत जो सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और जिस समय सुखदेव जी ने कथा सुनाई परीक्षित जी को, वहां सूत जी आदि ने भी इसका श्रवण किया। अनंतर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को इसका श्रवण कराया और इस तरह से संसार में कथा कथन और श्रवण की ये पावन परंपरा चल पड़ी। जिस समय सृष्टि निर्माण करना चाह रहे थे ब्रह्मा जी, लेकिन सृष्टि को बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि सृष्टि निर्माण में दो शक्तियों की आवश्यकता होती है, एक ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति। ये दोनों ही शक्तियां ब्रह्मा जी के पास नहीं थी, तो ब्रह्मा जी ने भगवत प्रेरणा से वहां तप किया, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तो ब्रह्मा जी ने वहां बड़ी सुंदर एक जिज्ञासा रखी प्रभु से, बोले भगवान आपने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कुछ लोग आपको सौम साकार कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, आपका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई शरीर नहीं है, तो आखिर मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूं, आप अपने श्री मुख से स्वयं बताएं कि वस्तुतः आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो सगुण साकार है या फिर निर्गुण निराकार है। ब्रह्मा जी के प्रश्न का बड़ा सुंदर समाधान श्री ठाकुर जी ने किया है चार श्लोकों में, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा गया। इसी इन्हीं चार श्लोकों का विस्तार व्यास जी ने 18,000
4 श्लोकों में किया जो ये भागवत ग्रंथ बना। उन 4 श्लोकों में सबसे पहला जो श्लोक है चतुश्लोकी का, प्रथम श्लोक के पूर्व भी एक श्लोक भगवान ने ऐसा कहा है कि उस एक ही श्लोक में उन्होंने अपने स्वरूप का निर्णय दे दिया। वहां भगवान कह रहे हैं यथा भागो यद रूप गुण कर्म का। ब्रह्मा जी सुनिए, मैं जैसा हूं, जैसा मेरा रूप है, जैसा मेरा गुण है, जैसी मेरी लीलाएं हैं, उनको मदनुग्रह आप मेरी कृपा से सुनिए और समझिए। बिना कृपा के तो आदमी केवल विवाद में फंसा रह जाएगा। कोई अपनी ओर खींचेगा अर्थ को, कोई अपनी ओर खींचेगा, कोई कहेगा निराकार है, कोई कहेगा साकार है। इस स्वरूप को ब्रह्मा जी से पहले भगवान ने कह दिया, मद अनुग्रह मेरी कृपा के बिना कोई नहीं जान पाएगा। क्योंकि गोसाई जी महाराज ने कहा ना, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, भगवान को कोई तर्क से नहीं समझ सकता है, उनको कोई अपनी विद्या से नहीं समझ सकता है, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है। विद हरि संपूर्ण चावन हारे, जब बेखन तुम अभेखन हारे, तेउ न जाने मर्म तुम्हारा, और सके को जान न हारे। जिसे ब्रह्मा शंकर नहीं जान पा रहे हैं उसे हम तुम क्या जानेंगे, लेकिन नहीं जान सकते हैं। सोई जाने जय देव जनाई, वो जान जाएगा जिसे भगवान चाहेंगे कि हाँ इसे मेरे रूप का ज्ञान हो जाए, वो जान सकता है। बाकी अपने बल से, अपने विद्या से, और पहले एक बार समझ लें, भगवान को न तो साधन से समझा जा सकता है न पाया जा सकता है। भगवान कृपा साध्य है, कृपा से ही उनको समझा जा सकता है, कृपा से ही उनकी प्राप्ति की जा सकती है। तो भगवान का स्वरूप क्या है, पहले श्लोक में भगवान ने चतुश्लोकी के प्रथम श्लोक में अपनी अनादिता, अनंतता, सर्वव्यापकता, सर्वमयता इसका वर्णन किया है। अहमेवा समेवा करे नान्यत् यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि काल में भी मैं रहता हूँ, सृष्टि के बाद भी जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अलावा न सत है, न असत है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है। यहाँ भगवान ने जो मैं शब्द का प्रयोग किया है ये दिखाता है कि कोई शक्ति है, बिना हुए तो वो मैं शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकती। लेकिन समझने वाली ये बात है कि मैं शब्द का जो भगवान ने यहाँ प्रयोग किया वो तीन बार किया है। जैसे किसी बात को तीन बार कहते हैं त्रिवाचा वर्ण है, वो पक्की हो जाती है। यानी ये जो मेरा निर्णय है वो अंतिम निर्णय है और वो स्पष्ट निर्णय है, मैं हूं, लेकिन आप किस रूप से हैं। तो सगुण निर्गुण साकार निराकार इसको सरल सी भाषा में समझ लें, जिससे सदा सदा के लिए ये झगड़ा ही समाप्त हो जाए। भगवान निर्गुण इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर संसार का कोई गुण नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। और सगुण इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण, दिव्य गुण है, जैसे भक्त वत्सलता, कृपा, करुणा, दया, ये दैवी गुण है इसलिए वो सगुण है, और संसार के गुण उनमें नहीं है इसलिए वो निर्गुण है। सीधी सी बात है, निराकार में इसलिए है क्योंकि उनका हमारा तुम्हारा जैसा शरीर नहीं है। हमारा तुम्हारा शरीर पांच भौतिक है, इसे जला दो नष्ट हो जाएगा, राख बन जाएगा, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो पांच भौतिक नहीं है, वो स्वतः सिद्ध स्वरूप है, वो चिन्मय विग्रह है, चिन्मय वपु है। तो सांसारिक पांच भौतिक आकार उनका नहीं है इसलिए वो निराकार है, लेकिन उनका दिव्य आकार है इसलिए वो साकार भी है। जैसे वेदों ने कहा अपाणि पादौ जवनो गृहीता पश्यत् चक्षु सशमत्य कर्णः, उसके हाथ नहीं है फिर भी वो पकड़ता है, उसके पैर नहीं है फिर भी वो चलता है। कैसे ये बात कैसे घटित होगी, बिना पैर वाला कैसे चल लेगा, बिना आंख वाला कैसे देख लेगा,
बोले ये बात किस तरह से घटित होती है कि उसके साधारण हाथ पैर नहीं है लेकिन उसका श्री अंग जो है वो दिव्य है, उसके दिव्य हाथ हैं, उसका चिन्मय शरीर है, चिन्मय नेत्र है, पांच भौतिक आकार नहीं है, दिव्य आकार है, इसलिए वो साकार है। संतों ने कहा बड़ा सुंदर वर्णन किया, यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचिष्ठं
प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। भगवान बाहर भी है भीतर भी है, वैसे पंच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, हमारा तुम्हारा शरीर इन पांचों तत्वों से बना है, तो हमारे इधर भी ये पांचों तत्व हैं और सारा संसार भी इनसे बना है, इसलिए हमारे बाहर भी ये पांचों तत्व हैं। भगवान भी वैसे ही भीतर भी है और बाहर भी है, लेकिन पांचों तत्व तो अनुभव में आ जाते हैं, बाहर भी अनुभव में आ जाते हैं भीतर भी, पर भगवान तो ना बाहर कभी अनुभव में आते हैं ना कभी भीतर अनुभव में आते हैं। ऐसा क्यों है? वो होते हुए भी हमारी अनुभूति का विषय क्यों नहीं बन रहा है? कृष्ण गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है, ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्य। मैं सब में अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ ये ठीक है, पर मैं अनुभव में उन्हीं के आता हूँ जो भजंती माम भक्त्या, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, उनके तो मैं अनुभव में आ जाता हूँ, बाकी किसी के अनुभव में नहीं आता। जैसे मीरा जी के अनुभव में आ गए, सूरदास जी तुलसीदास जी के अनुभव में आ गए, पर हमारे तुम्हारे कभी अनुभव में नहीं आते हैं। मीरा जी कह रही हैं, रहन दिना के संग खेलो, बोले मैं रात दिन कृष्ण गोपाल के साथ खेलती हूँ, और हमें तो कभी एक क्षण को भी अनुभव में नहीं आते, क्योंकि भजंती तो नाम भक्त्या, अभी जो भजन हो रहा है वो भक्ति पूर्वक नहीं हो रहा है, ठीक है ढोंढा हमें कर रहे हैं वो बात अलग है, पर जिस दिन भक्ति पूर्वक भजन होगा भाव पूर्वक भजन होगा उसी दिन भगवान अनुभव में आ जाएंगे। फिर चौथे श्लोक में आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्र जिज्ञासुनात्मनः अन्वयः व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हर मनुष्य को केवल इतना ही जान लेना चाहिए कि भगवान सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं, बस इतना सा भरोसा हो गया तो सारी भागवत जीवन में आ गई। हम कहते तो हैं कि सर्वत्र हैं सर्वदा हैं, पर हम लोग मानते नहीं है इस बात को। आदमी चोरी के लिए एकांत क्यों ढूंढता है जब उसको पता है कि सब जगह भगवान है, पर फिर भी जाके कहीं कोई देख ना ले, एकांत में जाके चोरी करेगा, जो भी गलत काम है अकेले में जाके करेगा। तो वो कह तो रहा है कि हाँ भगवान सब जगह, पर वो मान नहीं रहा। जिस दिन मानने लग जाएगा उस दिन दुर्वृत्तियां ही उसके अंदर से सब दुर्वृत्तियां जीवन से चली जाएंगी, फिर कोई पाप होगा ही नहीं, फिर कोई निषिद्ध कर्म होगा ही नहीं। तो भगवान की सार्वत्रिकता और सार्वकालिकता पर भरोसा हो जाए, बस यही भागवत है। हम मानने लग जाए हाँ भगवान है सब जगह, अभी कहते हैं मानते नहीं है, विश्वास नहीं। तो ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री ब्रह्मा जी को श्री ठाकुर जी ने दिया है, यही ब्रह्मा जी के द्वारा व्यास नारद जी को प्राप्त हुआ है, नारद जी से व्यास जी महाराज को प्राप्त हुआ है, और इस तरह से श्रीमद् भागवत जी नित्य धाम से और इस धरा धाम तक चलकर आई परंपरा के द्वारा। आगे पुराण के 10 लक्षण सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाए हैं, इसके उपरांत परीक्षित जी महाराज ने मैत्रेय जी और विदुर जी का जो संवाद हुआ है उसको सुनने की इच्छा की है। विदुर जी का नाम सुनते ही सुखदेव जी महाराज भाव विभोर हो गए, पौरवेन्द्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्म साधकृतम। परीक्षित जी आपने उन विदुर जी का नाम ले लिया है आज जिनके घर में बिना बुलाए भगवान गए थे, सारी तैयारियां दुर्योधन करके बैठा है और भगवान कह रहे हैं हम तो विदुर जी के यहाँ हमारा निमंत्रण है। विदुर जी भी सोच रहे हैं भाई मैंने इतने कम निमंत्रण से दे दिया, लेकिन प्रभु ने शांत साथ करता बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले इस बात को विदुर जी ने ठाकुर जी ने इसलिए कह दिया क्योंकि विदुर जी के घर को उन्होंने अपना घर मान लिया था। अपने घर में कोई निमंत्रण की इच्छा नहीं रखता, अपने घर में कोई सोचता है कि भाई निमंत्रण कार्ड आएगा तो हम अपने घर में जाएंगे, अरे जहाँ अपना पन है वहां कोई बुलाए न बुलाए, कोई निमंत्रण दे न दे, उसकी अपेक्षा नहीं होती। विदुर के घर को इतना अपना मान लिया
कि बिना द्रौपदी जी के पूछे बिना उनके निमंत्रण की अपेक्षा की और भगवान दुर्योधन को दुर्योधन की मेवा त्यागी सात विदुर घर रखा क्यों सबसे ऊंची प्रेम सागर प्रेम के कारण। इसलिए महात्माओं ने कहा एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए शुभेंदु जी महाराज उनका बड़ा सुंदर पद नहीं स्वीकार करते सुनायो। जैसे ही सुना श्री कृष्ण द्वार पर आए हैं दौड़ पड़ी बदरानी काकी
ठाकुर ने देखा, श्याम सुंदर ने देखा, ये तो बेचारी निर्वस्त्र की दौड़ आई है, इसे अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं है। तो सुनत ही स्वर सुधि डारी है नगरी मानो, राख्यो मद भरी दौरे आने के चितायो है, डाल दियो पीत पट कटी लपटाए लियो। ठाकुर ने अपना पीतांबर विद्रानी काकी के ऊपर डाल दिया। ठाकुर जी बोले, काकी बड़ी भूख लगी है। और वो तो ऐसी प्रेम बावली केला लेके बैठी, तो केला का जो फल था फेंकने लगी और छिलके ठाकुर को भोग लगाने लगी। प्रभु भी प्रेम से आरो रहे हैं, तब तक विदुर जी पहुंच गए, बोले अरे राम राम, ये कितनी मूर्खा स्त्री है, ये ठाकुर को छिलकों का भोग लगा रही है। जल्दी से उसके हाथ से केला छीना और लाके फल सार दिन प्रभु को सार सार फल फल खिलाने लगे। और विदुर जी कहते हैं वहां, बोले लीजिए श्याम तुम तीनों, चैन पायो भियो नारी बड़ी दुखदाई है। अरे श्याम सुंदर, ये स्त्री तो बड़ी मूर्ख है, तुमको इतनी भूख लगी थी और इसने छिलके खिला दिए। तो श्याम सुंदर बोले, स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में ना पाई है। काका जी, आपने फल छीने के काम तो बड़ा चतुराई का किया, पर विदुरानी के छिलके में, काकी के छिलके में जो स्वाद आ रहा था वो आपके केलों में नहीं आ रहा। तिया सब चाय कर कटी डालो हाय प्राण, प्यारे को खवाए छील छिलका ना भाई है। विदुर जी ने कहा श्याम सुंदर को, अरे ये तो बावरी हो गई थी, प्रेम में पागल हो गई थी, कम से कम आपको ही कह देना चाहिए था। ठाकुर जी बोले, काका जी, विदुर जी, प्रेम में हमें भी ऐसा स्वाद आ रहा था, ये तो नहीं पता कि क्या खा रहे हैं, पर काकी जो खिला रही थी वो बड़ा सुमधुर और स्वादिष्ट लग रहा था। और वर्णन किए हैं कि तत्व वेत्ता तिहु लोक में भोजन कियो अपार, के शबरी के विदुर घर रुचि मांगी दोई बार। आज तक बहुत से भक्त हुए जिन्होंने भगवान को भोजन लगाया, कोई छप्पन भोग लगा रहा है, सैकड़ों व्यंजन बना रहा है, कहीं कहीं भोजन करा रहा है, लेकिन भगवान केवल दो ही बार तृप्त हुए, या तो शबरी मैया के यहाँ झूठे बेर खा के, या विदुरानी के केले के छिलके खा के। वस्तुतः भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है, अगर वस्तु के भूखे होते तो उनके पास किसी वस्तु की कमी हो रही है। वस्तु के भूखे नहीं, भावक ग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं, वो भाव ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका यह नाम भावक ग्राही जनार्दन है। विदुर जी का नाम सुनते ही सुखदेव जी भाव विभोर हो गए। और भक्तमाल जी में ऐसे बहुत से चरित्र प्राप्त होते हैं। एक भक्त हुए हैं महाराष्ट्र में चोखा मेला, जो जाति से बड़े निम्न थे, अच्छी जाति के नहीं थे, ऊंची कोई वर्ण कुल के नहीं थे। एक बार बाजार में किसी काम से गए, वहां अच्छे अच्छे केले देखे, तो इनको मन में इच्छा हुई पंडरीनाथ भगवान को भोग लगाया जाए। तो केले खरीद के लाए, मंदिर में गए, पुजारी को दिए, भगवान ये ठाकुर को भोग लगा दें, बड़े अच्छे केले हैं। पुजारी ने केले लेके फेंक दिए, बड़ा आदर किया, बोला अरे तेरा साहस कैसे हुआ, तू मंदिर में घुसाया, भाग जाए यहां से। तो केले उठा के बेचारे चले गए रोते रोते, मन में इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ, इस बात का कष्ट है कि क्या मेरे भाग्य में प्रभु की सेवा नहीं है, क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ कि प्रभु को दो केलों का भोग भी लगा दूं। रोते रोते घर चले गए। पुजारी ने तो रात्रि शयन आरती करके भोग लगा के ठाकुर को सुला दिया, पर पंडरीनाथ को कहां चैन बिना केले खाए। पहुंच गए चोखा मेला के घर में और उठाया, अरे भगत जी उठ जाइए, कहां है आपके केले। तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, मैं सपना देख रहा हूँ क्या, चोखा मेला, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ कैसे। बोले भगत जी बड़ी भूख लगी है, केले खिलाइए। बोले महाराज आप मेरे केले कहीं खाएंगे भला। बोले केला ही खाने तो आया हूँ। तो केले चोखा मेला ने छील छील के दिए और रुक्मिणी जी के साथ प्रभु ने केले पाए, लेकिन ठाकुर को ऐसी लीला दिखानी थी, केले के छिलके को अपने साथ मंदिर में ले गए और मंदिर में ले जाके अपने विग्रह के आगे केले के छिलके रख दिए।
हवन का समय हुआ, उसने पुजारी ने पर्दा खोला, जैसे ही केले के छिलकों पर दृष्टि गई वो भड़क गया जोर से, बोला अरे ये चोखा मेरा माना नहीं, ये खिला ही दिया इसने केले भगवान को। तो वो पुजारी गया दौड़ता हुआ घर में और चोखे में चोखा मिला तो खूब मारने लगे बड़ी पुजारी की। जैसे ही पीठ पाट के पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश करने लगा तो वहां भगवान ने अपने मंदिर के द्वार बंद कर लिए, पुजारी को भीतर नहीं घुसने दिया। हम तो चौखट पे कहीं सिर पटके गिड़गड़ाए रोए अनुनय विनय करे, प्रभु द्वार खोलो कौन सा अपराध हुआ, बोले तूने मेरे भक्त का अपराध किया, मैं कैसे द्वार खोलूं, जा चोखा मेला से क्षमा मांग, उसको कंधे पे बिठा के यहाँ सत्कार पूर्वक लेके आ। पुजारी गया उससे उनके चरणों में गिर के क्षमा याचना की और बड़े सत्कार के साथ मंदिर में उनको लेकर आए। तो जब चोखा मेला जी ने कहा प्रभु द्वार खोलो, तो चोखा मेला की ध्वनि सुन के प्रभु ने द्वार खोल दिए, चोखा मेला को अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन करके प्रभु रुदन करने लगे, रोने लगे और बोले आप मेरे इस अर्चक का अपराध क्षमा कर दें, क्योंकि कोई सेवक अगर अपराध कर दे तो कलंक तो स्वामी को ही लगता है, इसने अपराध किया है पर ये अपराध का कलंक मुझे लगा है, ऐसे ही जब जय विजय ने अपराध किया तो समकालिक मुनि से भगवान ने क्षमा मांगी है। तो भक्तापराध भगवान सह नहीं सकते, और ये दिखाया प्रभु ने कि किसी वस्तु पदार्थ का अगर मैं भूखा होता तो मेरे पास ही किस वस्तु की कमी है, वस्तु तो किसी पदार्थ का नहीं, मैं तुम्हारे भाव का और प्रेम का भूखा हूँ। वही विदुर जी महाराज उनके भाव और प्रेम को देखकर आत्मसात उनको अपना कर दिया। उन्हीं विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ये महाभारत होने के पहले की घटना है बड़ा समझाया है और कहा है कि आप ये दुर्योधन को छोड़ दीजिए भैया, ये आपका बेटा नहीं, ये पाप आपके पुत्र के रूप में आया है। अरे जो कृष्ण से विमुख हो उससे कैसा संबंध है? विसाई जी ने एक पद में कहा नाते नेह राम के मनियत सुरद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जे फूटे बहुतक कहो कहा। आंख में काजल लगाया जाता है आंख की ज्योति बढ़ाने के लिए, अब ऐसा काजल किस काम का जो आंख ही फोड़ दे, वो ऐसे बेटा बेटी और सगे संबंधियों से क्या काम जो भगवान से ही दूर कर दें, उन्हीं से विमुख बना दें, बहिर्मुख जीव को कर दें। बोले बहिर्मुख जीव को तो शत्रु समझ के छोड़ देना चाहिए, जो चाहे वो अपने सगे से सगा है, कोई संबंधी है, घनिष्ठ है, सब संबंध केवल भगवान के नाते होने चाहिए। तुम्हें भगवान प्यारे हैं इसलिए तुम हमें प्यारे हो, अगर तुम्हें भगवान से कोई मतलब नहीं तो हमें भी तुमसे कोई मतलब नहीं। नाते नेह राम के मनियत, जितने संसार में नाते हैं संबंध हैं वो भगवान के कारण होने चाहिए, अगर भगवान से उनका मतलब है तो तुम्हारा मतलब उनसे होना चाहिए, और भगवान से जिसको कोई मतलब नहीं है कोई प्रयोजन नहीं है उससे हमारा भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र को बहुत समझाया पर धृतराष्ट्र ऐसे मोहग्रस्त थे ममताग्रस्त थे नहीं छोड़ पाए दुर्योधन को, परिणाम क्या हुआ, सब पुत्र मरे पौत्र मरे सब समाप्त हो गए कोई नहीं बचा, लेकिन दुर्योधन ने उस समय विदुर जी का बड़ा अपमान किया, विदुर जी को फटकार के बाहर निकाल दिया हस्तिनापुर से और वे स्वयं वहां से चले, तो महात्मा थे विदुर जी, और जब हस्तिनापुर छोड़कर गए हैं विदुर जी, केवल एक विदुर जी के कारण ही अब तक कौरव बचे हुए थे, अगर रावण विभीषण जी को न निकालता तो लंका का नाश नहीं हो सकता था, केवल विभीषण जी के कारण सारी लंका टिकी हुई थी, वैसे ही अगर कौरव विदुर जी का अपमान न करते तो उनका भी नाश नहीं हो सकता था, लेकिन जब विदुर जी को निकाल दिया तो वहां वर्णन कर रहे सुखदेव जी स निर्गत कौरव पुण्य लब्ध, देखो भाई इनका कैसा दुर्भाग्य है, इन्होंने अपने पुण्य को निकाल दिया, अपने बाहर विदुर नहीं जा रहे हैं कौरवों का पुण्य इनको छोड़कर जा रहा है। और जैसे ही विदुर जी गए हैं तो बस कौरवों के विनाश का समय समीप आते चला गया, महाभारत हुआ है सर्वनाश को प्राप्त हो गए हैं। उस बीच विदुर जी की
भेंट उद्धव जी से हुई है, उद्धव जी से कृष्ण लीला विदुर जी महाराज ने सुनी है, फिर विदुर जी की भेंट मैत्रेय जी से हुई है और मैत्रेय जी से विदुर जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको। प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी कि मैत्रेय जी, संसार में हर आदमी सुख के लिए काम करता है पर उसका दुख ही बढ़ता है, ऐसा क्यों? तो मैत्रेय जी कह रहे हैं महाराज, सुख के लिए काम तो वो करता है पर सुख जहां है वहां वो जाता नहीं, सुख की दिशा में उसका कोई कर्म नहीं होता है। मान लो कोई वस्तु आपके सामने रखी है, आप उसको लेने के लिए अगर पीछे दौड़ेंगे तो जन्म भर दौड़ते रहो, वस्तु मिलेगी थोड़ी। तो सुख के लिए कर्म तो करता है मनुष्य पर सुख की दिशा में नहीं करता है, जहां सुख है वहां तक नहीं जा पाता है। तो सुख है कहां? भगवान ने गीता जी में कहा ना, मत प्रसादात परम शांति अचरेणाधि गच्छति, मेरे आश्रय में मेरी शरणागति में ही सुख है, संसार में सुख ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। गोसाई जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किया, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सकल लोक दायक
जीवन भर सुख के लिए कर्म करते रहो, सुख ढूंढते रहो। गीताजी में भगवान ने एक शब्द में इस संसार का स्वरूप कह दिया, बोले दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का भंडार है, इसमें तुम कहां सुख ढूंढ रहे हो? दुख के भंडार में सुख ढूंढने वाला मूल ही तो है, अशाश्वत है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए ही चमक है, बस थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा है, यहाँ सुख है, यहाँ आनंद है, यहाँ मजा है। बोले दुखालय, ये तो दुख का घर है, इसमें सुख ढूंढना केवल तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी मेहनत है। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से भी सृष्टि के विषय में प्रश्न किए हैं। सृष्टि क्रम मैत्रेय जी महाराज ने बताया है, ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, पशु पक्षी महत्त्व अहंतत्व संत कुमार आदि की। सृष्टि नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी एक दिन चिंतित हो गए, उनके शरीर के 2 भाग हुए, स्वायंभू मनु और शत्रुघ्न के रूप में। दोनों ने तप किया है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि हम सृष्टि विस्तार को करें पर संतान रहेगी कहाँ। उस समय पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी, तो पृथ्वी की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर वहां भगवान ने वाराह रूप से अवतार धारण किया है। बोले वाराह रूप से अवतीर्ण होकर श्री ठाकुर जी ने हिरणाक्ष दैत्य का वध किया है, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थिर किया है। विदुर जी की जिज्ञासा पर मैत्रेय जी ने इस कथानक को विस्तार पूर्वक श्रवण कराया। संताजी का अपराध करने से जय विजय नाम के भगवान के पार्षद ही कश्यप जी की पत्नी के गर्भ में, दिति माता के गर्भ में आए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। ये एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है जो ध्यान देने योग्य है। भगवान ने गीता जी में कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमतमः। मेरे धाम में जो एक बार आ गया वो लौटता नहीं है, फिर जय विजय क्यों लौटे? वो क्यों असुर बने, वो क्यों दैत्य बने? उसका कारण है, यह अपराध परम पद होते उतरि नरक में परियो, हरि भक्तन सो गर्व न करियो। भक्ता अपराध, वैष्णव अपराध, अक्षम्य अपराध है, जैसे भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। और ये अपराध अगर भगवान के नित्य धाम में ही किया तो वहां से भी गिरना पड़ेगा, जबकि भगवान ने कहा है मेरे धाम से कोई लौटता नहीं है, पर भक्ता अपराधी को नित्य धाम से भी लौटना पड़ेगा। और भक्ता अपराध छोटी छोटी हमारी क्रियाओं में भक्ता अपराध होता है, 6 प्रकार से भक्ता अपराध होता है। हंती, भक्त को मारना, निंदी, भक्त की निंदा करना, हम लोग सब निंदा करते, किसी की बुराई करना, चोरी करना, आपस में सब भक्त ही है। अब भक्त कोई दूसरे देश या दूसरे लोग से थोड़ी आएगा, आपस में एक दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, ये भक्ता अपराध है। द्वेष्टि, भक्त से द्वेष करना, चिढ़ना, मारना, निंदा करना, द्वेष करना, 3। वैष्णवान नाभिनंदति, कोई वैष्णव आए और हमने उठकर उनका सम्मान नहीं किया, अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ कोई जन आए, हमने उठकर सम्मान नहीं किया, बस अपराध हो गया। याति मोहर्षम, और मान लो हमने सम्मान तो कर दिया पर अगर हमारा मन प्रसन्न नहीं हुआ उनको देखकर तो अपराध लग जाएगा। अदर्शने, आए हैं देखते हुए हम नजरअंदाज कर रहे हैं, ये कहीं हमें देखना नहीं, इनसे फिर मिलना पड़ेगा, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं किसी भक्त को, वैष्णव को, ये अपराध है। 6 तरह से अपराध होता है और हमारी क्रिया, हर क्रिया अपराध जनित होती है, हर क्रिया में अपराध होता है। और इतना भयानक अपराध है कि भगवत धाम से भी गिरा देगा नीचे, उस स्थिति पर पहुंचने के बाद भी नीचे गिरा देगा। इसलिए सावधान होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए, कहीं हमारी कोई क्रिया में अपराध तो नहीं हो रहा है, किसी का अपमान अनादर तो नहीं हो रहा है। ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, वैष्णव अपराध। यही अपराध था जो जय विजय को भगवत धाम से वैकुंठ से नीचे गिरा दिया, हिरण्यकश्यप बना दिया।
भगवान ने हिरण्याक्ष को वराह रूप से समाप्त किया है और हिरण्यकश्यप के उपसंहार के लिए नृसिंह अवतार लिया है। स्वयं को मनु शत्रुपा इनसे पांच संतानें हुई जिनमें तीन कन्याएं थी आपूति देवभूति प्रसूति और प्रियव्रत उत्तानपाद ये दो पुत्र थे। आगे चल के इन्हीं से सृष्टि बड़ी संसार का विस्तार हुआ। देवभूति जी का विवाह करदम जी के साथ हुआ है जिन्होंने बड़े निष्ठा के साथ बड़े प्राण प्राण के साथ करदम जी की सेवा की है। उस सेवा के प्रभाव से स्वयं भगवान इनके गर्भ में पुत्र के रूप में आए हैं। करदम जी संन्यास लेने के लिए जा रहे थे, अंत प्रेरणा हुई करदम जी अभी आप ना जाएं, मैं स्वयं अवतार ले रहा हूँ। तो मैया देवभूति के कल्याण के लिए और सांख्य शास्त्र का के ज्ञान को प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान माता देवभूति जी के गर्भ से श्री कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। वरे श्री कपिल देव भगवान की जय। उनका दर्शन पाके स्वयं को कृतार्थ समझते हुए करदम जी संन्यास को चले गए हैं। इधर कपिल भगवान माता देवभूति जी के साथ रहने लगे। एक दिन मैया देवभूति ने बड़ा सुंदर उनसे जिज्ञासा की है, बोली प्रभु संसार में कल्याण का उत्तम मार्ग क्या है। तो कपिल भगवान ने सुंदर समाधान किया, बोले पहले तो मनुष्य को हर कल्याण कामी को ये समझ लेना चाहिए कि कल्याण कहते किसको है। हम लोग चिल्लाते हैं कल्याण कल्याण और चाहते भी हैं, पर कल्याण किस स्थिति को कहते हैं। तो कपिल भगवान ने बड़ी सुंदर कल्याण की परिभाषा वहां बताई है। अत्यंत उपरतन यत्र, जहां सुख और दुख दोनों से उपरांता आ जाए, यानी सुख में सुख की अनुभूति ना हो और दुख में दुख का अनुभव ना हो, तब समझना चाहिए कि हम कल्याण मार्ग पर अब चलने को तैयार हुए। अभी तो थोड़ा सा सुख थोड़ा सा दुख, ये सुख दुख जो द्वंद है हमें कितना विचलित करते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादो भी भयंकर। थोड़ी देर में फूल जाएंगे, थोड़ी देर में रोने गाने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे। तो ये क्या है, ये चित्त की व्यवस्थित स्थिति नहीं है, स्थिर चित्त से नहीं रह पाता है। अत्यंत उपरतन यत्र दुखस्य च सुखस्य च, जहां सुख और दुख दोनों की अनुभूति बंद हो जाए उस स्थिति का नाम कल्याण है। तो उस कल्याण की प्राप्ति कैसे हो, तो कपिल भगवान बड़े सुंदर बात कह रहे हैं। बोले देखो गुणेश सप्तम बंधाय उत्तम वापंसी मुक्ताय। अभी कल्याण इतनी दूर है हम लोगों से, हमारे तुम्हारे मन पर अभी तो बंधन लगा हुआ है, गुण बंधन लगा हुआ है। कैसे बंधन, अरे रस्सी का बंधन हो तो खोल दिया जाए, कोई जंजीर का बंधन हो तो काट दिया जाए, पर कोई बंधन तो दिखाई पड़ता नहीं है। बोले बंधन है अगर संसार में, देखो एक ही मन है, अगर संसार में है तो यही बंधन रूप है और अगर भगवान के चरणों में है तो यही मोक्ष रूप है। जैसे एक ही चाबी को बाईं ओर घुमाओ ताला बंद, दाईं ओर घुमाओ तो खुल जाएगा, वैसे ही मन एक है, तो संसार में गया तो बंधन रूप और भगवान में लगा तो मोक्ष रूप। लेकिन न तो ये संसार को छोड़ पाता है और ना ही भगवान में लग पाता है। उन महापुरुषों की बात अलग है जिन्होंने कहा, मीरा जी का एक पद है, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़ सगन सो तोड़ो, सो जोड़ सगन सो तोड़ो।
अभी तो मन पर बहुत निग्रह की आवश्यकता है, इस पर अंकुश रखने की बहुत आवश्यकता है। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, हनुमान जी में भी मिलता है। एक बार कोई व्यक्ति था, किसी तामसी सिद्धि करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा। तो तामसी सिद्धि जो लोग करते हैं वो भूत प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, फिर चाहे जो भूत प्रेत से कराते हैं। तो तामसी सिद्धि वाले संत ने उसको भी ब्रह्म राक्षस सिद्ध करा दिया, ब्रह्म के प्रेत। लेकिन वो प्रेत से वो जो कहता वो करता था और एक क्षण में काम पूरा कर देता। पर समस्या ये आ गई कि उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, देखो अगर तुम मुझे काम बताते रहोगे तब तो ठीक है, अगर काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बड़ा परेशान हुआ बेचारा, इतना बड़ा उसका धंधा कारोबार, पर हर काम वो थोड़ी देर में कर दे। तो किसी संत के पास गया, चरणों में गिर के उनसे उपाय पूछा। तो संत ने कहा, देखो उससे तुम 1000 गांठ वाला बांस मंगाना, उस बांस को अपने आंगन में गाड़ देना और उस भूत से कहना, देख भाई जब तक मैं काम बताऊं काम कर, और जब तेरे पास कोई काम ना हो तो इस बांस पर चढ़ और उतर, फिर चढ़ फिर उतर, तो बस तू तेरी समस्या से छूट जाए। और तो बड़ा प्रसन्न हुआ उस भूत के पास, उसने कहा, जा 1000 गांठ का बांस लेके आओ। बहुत लंबा बांस ले आया, फिर इधर उधर के काम बताए। उस भूत ने कहा, बोलो क्या करूं। बोले इस बांस पर चढ़ और उतर, जब तक दूसरा काम ना बताऊं तब तक यही करता रहे। तो हमारी तुम्हारी जो मनोदशा है, मन की स्थिति है, वो यही है। जब तक ये कहीं जुड़ा रहेगा तब तक तो ठीक है, और अगर जहां खाली हुआ तो ये जीव को खाने के लिए दौड़ता है। तो संत कहते हैं कि अपने चित्त में श्री ठाकुर जी को स्थापित कर लो और इस मन को कहो, बार बार चरण से और मस्तक तक का ध्यान कर, फिर मस्तक से चरण का ध्यान कर, फिर चरण से मस्तक का ध्यान कर, फिर मस्तक से चरण का ध्यान कर, तो बस छूट जाओगे इस मन की चंचलता से। किसी ना किसी तरह से मन लगा रहे, मनोयोग रहे। हमारे पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य जी ने अर्चन पद्धति को इसलिए प्रधान रखा, बालकृष्ण की सेवा है। अब जैसे एक माँ उस बालक के लिए उसकी लालन पालन में ध्यान में जुटी रहती है, उसको खिलाना है, उसके वस्त्र बदलाने हैं, उसको सुलाना है, 10 बार उसको खिलाना है। तो किसी ना किसी तरह से वो भगवान से जुड़ा है, इसलिए अर्चन पद्धति चलाई। बाल विग्रह की सेवा करो, विग्रह सेवा घर में रखो, उसको शयन कराओ, उनको नहलाओ, उनका उत्थापन करो, आचमन कराओ, भोग लगाओ। ये केवल प्रकार है मन कृष्ण निवेश, किसी भी तरह से श्री कृष्ण में मन लगा रहे। पर अभी मन की स्थिति नहीं है कि वो लगे, कारण क्या है? कपिल भगवान कह रहे हैं, भगवान शुद्ध हैं, उन शुद्ध भगवान को बिठाने की इस अशुद्ध मन में अभी ताकत नहीं है। तो क्या हमारा मन अशुद्ध है? बोले आज से नहीं, अनादिकाल से अशुद्ध है। किस चीज का मैल है मन में? तो कपिल भगवान कह रहे हैं, अहम ममाभिमान उत्थई काम लोभादिभिर्मले। अभिमान, अहंता, ममता, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब मैल ही तो मैल भरे पड़े हैं मन। तो भाई कहने से अहंता ममता मैं मेरा मन छूट थोड़ा ही जाता है। तो बड़ी सुंदर बात बोले, बोले इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसकी दिशा को बदल दो। जैसे कोई सोचेगा मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माँ हूं, मैं बेटा हूं, ये सब सोचने की जगह क्या सोचना है? जो श्रीमद् महाप्रभु जी ने कहा ना, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दासः, मैं दास हूं ये सोचो। मैं डॉक्टर हूं, मैं उस पद पर हूं, मैं उस प्रतिष्ठा पर हूं, बस दिशा बदलनी है। मैं को छोड़ो मत, दिशा बदल दो। ये सोचो मैं कृष्ण दास हूं, मैं उनके दासों के दासों का दास हूं, मैं उनके भक्तों के भक्तों का भक्त हूं। और मेरे मन की दिशा बदलनी है तो बोले स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, बेटा मेरा, धन मेरा, जायदाद मेरी, इसकी जगह कौन सी भावना मन में हो? मेरे तो गिरधर गोपाल
एक बार भिक्षा लेने के लिए गए तो एक वृद्धा मैया के पास जाके भिक्षा मांगी तो वो गोबर से घर लीप रही थी। तो संतों लोग भिक्षा क्यों मांगते हैं? भिक्षा एक वृत्ति का नाम होता है। भिक्षा केवल पेट भरने का साधन नहीं है, भिक्षा एक वृत्ति है जो हमें सहना सिखाती है। भिक्षा मांगने जाएंगे किसी घर में अपमान भी मिलेगा, तिरस्कार भी मिलेगा, तो सहने की क्षमता उत्पन्न होती है। इसलिए भिक्षा वृत्ति चली, भैक्षचर्या वेदों में भी आया है। तो जब उस वृद्धा के पास भिक्षा मांगने गए तो जो जिस कपड़े से वो गोबर से लीप रही थी उसी को उसने उनके मुंह पर फेंक के मारा। अरे कमाते गमाते हो नहीं आ जाते हो रोज रोज मांगने के लिए? यहाँ तुम्हारा बाप कमा के रख गया है, कहाँ से रोज रोज भिक्षा दे? तो वो अपना राधे श्याम राधे राधे करके वहां से चले गए और उस कपड़े को लिया, अपने मस्तक से लगाया। बोले अच्छा माता जी आज यही भिक्षा मिली है, चलो इसकी कोई ना कोई आवश्यकता प्रभु ने समझी होगी। आश्रम में लौटे तो देखा उस दिन कोई बत्ती नहीं थी ठाकुर की आरती करने की। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने उस वस्त्र को धोया, उसकी बत्ती बनाई, उसको घी में डुबोया और ठाकुर की आरती की। जब आरती की तो उससे जब धुआं निकला तो जैसे जैसे वो धूम उठा वैसे वैसे उस वृद्धा का मन पवित्र होने लगा, उसका चित्त शुद्ध होने लगा। जब वो बत्ती पूरी जल गई वो वृद्धा घर से दौड़ती हुई आई। अरे मैंने आज दरवाजे पर आए संत का तिरस्कार कर दिया, मेरी बुद्धि कहाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई, चरणों में गिर पड़ी समर्थ गुरु रामदास जी के। महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत आपका अपराध किया है। तो यदि वे भी उसको गाली देके चले जाते तो कभी उसका मन शुद्ध थोड़ा ही होता। उनकी प्रतीक्षा से उनके सहने से उसका कल्याण हो रहा। तो जिनके अंदर प्रतीक्षा है, करुणा करने का जिनका सहज स्वभाव है, मैत्र धर्म है, संसार में जिनका कोई शत्रु नहीं है, ऐसे संतों में सएव साधु कृतो अपने मन को लगाओ, आसक्ति करो तो बस वो ही मोक्ष का खुला द्वार बन जाए। कैसी है वो भक्ति? तो स्वाभाविक भक्ति का वर्णन कपिल भगवान ने किया, सत्व सो वृत्ति स्वाभाविक ही किया। मन का सहज भगवान में लग जाना ये स्वाभाविक ही भक्ति है। पर जन्म से किसी को स्वाभाविक ही भक्ति, वो योग भ्रष्ट पुरुष अलग होते हैं जिनको जन्म से सद्धा भक्ति मिल जाती है। पर हमारी तुम्हारी स्थिति एकदम से स्वाभाविक भक्ति ही नहीं। अभी तो हमें मन को लगाना है, उसको मारना है, उसको 10 बार बिठाना है और फिर शनि शनि वो अपने आप लग जाएगा, उसका स्वभाव बन जाएगा, फिर वो भक्ति स्वाभाविक ही भक्ति बन जाएगी जो सिद्धे करी रसी मोक्ष से ही श्रेष्ठ कही है। मोक्ष से श्रेष्ठ भक्ति कैसे हो गई? बोले कभी सुना कि किसी मुक्तात्मा की पन्हैया भगवान ने उठाई हो या उसकी सेवा भगवान ने की हो? लेकिन भक्तों की सेवा भगवान ने की इसके हजारों प्रमाण मिल जाएंगे। लेकिन किसी जीवन मुक्त की, किसी मुक्तात्मा की भगवान ने जूती उठाई हो या उसकी दासता की हो, चाकरी की हो, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन भक्तों की चाकरी भगवान ने की इसके हजार उदाहरण है, जिनमें सबसे प्रथम और सबसे श्रेष्ठ उदाहरण तो ब्रजगोपियों का है। जैसा चाहा वैसा नचा लिया, जो चाहा वो करा लिया, प्रेमा भक्ति के कारण वे मोक्ष से ही कहीं आगे की ये स्थिति होती है जहां मोक्ष भी त्याज्य हो जाता है। तो श्री कपिल भगवान ने मैया देवहूति जी को भक्ति योग के विषय में बताया है। आगे देवहूति मैया ने अष्टांग योग सांख्य शास्त्र सुनने के बाद फिर से उस भक्ति योग को विस्तार से सुनने की इच्छा की है। तब कपिल भगवान ने सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति इनका वर्णन करने के बाद निर्गुणा भक्ति का वर्णन किया है। निर्गुणा भक्ति क्या है? जो सर्वोत्तम मानी गई है वो भक्ति है जो गोस्वामी जी ने कहा अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाप्रतम, जिसमें सभी अभिलाषाओं का आशाओं का शमन हो जाता है, जहां अपने इष्ट से भी कोई इच्छा नहीं होती, भगवान
भगवान से भी कोई इच्छा नहीं होती, वो भक्ति उत्तमा भक्ति मानी होती। अभी तो कामनाएं हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, स्वार्थ की भक्ति हम लोग कर रहे हैं। निर्गुणा भक्ति निष्काम होती, उसमें कोई स्वार्थ कोई इच्छा, यहाँ तक दिए मानव न गृहती, भगवान देते हैं तो भी भक्त नहीं मिलता, वो भक्ति उत्तमा भक्ति है, सर्वोत्तम भक्ति है। मैया देवभूति जी को विस्तार पूर्वक इस भक्ति योग का श्रवण कपिल भगवान ने कराया है, जिसका स्वतंत्र रूप से अगर वर्णन किया जाए तो कई दिन उसके लिए चाहिए, कई दिन, क्योंकि महावीर जी का कपिल देवभूति उपाख्यान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सैद्धांतिक प्रकरण है। तो कपिल देवभूति संवाद का वर्णन सुनाया है, देवभूति जी की सभी जिज्ञासाओं का समाधान कपिल भगवान ने किया है। उसके उपरांत चतुर्थ स्कंध में सबसे पहले प्रारंभ में सती चरित्र का श्रवण कराया है, फिर उसके उपरांत ध्रुव चरित्र का श्रवण मैत्रेय जी महाराज ने कराया है। यूं तो संपूर्ण भागवत जो है उसमें कोई हेय अंश नहीं है, त्याज्य अंश नहीं है, छोड़ने लायक कोई वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी ये चर्चा समय के अनुसार ही संभव है। सती चरित्र श्रवण कराया है, ध्रुव चरित्र भी श्रवण कराया है मैत्रेय जी ने। ध्रुव जी की जो कथा है वो अधिकांश सब लोग जानते भी हैं, 5 वर्ष की अवस्था में विमाता से अपमानित होकर मैया सुनीति की आज्ञा पर जिस समय ध्रुव जी अपनी पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने हाथ पकड़ के उन्हें नीचे पटक दिया, अपने उनका अपमान किया। रोते हुए माँ सुनीति के पास आए हैं, तो विशेष रूप से ध्रुव चरित्र में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो माता सुनीति ने जो ध्रुव को उपदेश दिया है और एक ध्रुव जी ने भगवान की जो स्तुति की है। वहां माता सुनीति ने भगवत शरणागति रूप परम धर्म ध्रुव जी को सिखाया है। ध्रुव चरित्र का जो आध्यात्मिक रहस्य है, हमारे तुम्हारे अंदर जो महत्वाकांक्षी जीव है वही उत्तान काल है। सुरुचि और सुनीति ये उसकी दो वृत्तियां हैं, जो उत्तान काल की रानी थी सुनीति और सुरुचि, उनमें से गलती ये होती है कि ये जीव सुरुचि का आश्रय लेकर सुनीति को छोड़ देता है, जैसे उत्तान काल ने सुनीति का त्याग कर रखा था, दासियों की तरह रहती थी अन्य महलों में। सुरुचि के पुत्र थे, उनका नाम था उत्तम। रुचि जो होती है अच्छे अच्छे भोगों में होती है, उत्तम विषयों में होती है, लेकिन उसका परिणाम विनाशकारी होता है, जैसे उत्तम को आखिर में मरना पड़ा। पर सुनीति के जो पुत्र थे वो थे ध्रुव, यानी अगर सुनीति का अच्छी नीति का आश्रय ले लिया जाए तो फिर वो ध्रुव पद की प्राप्ति करा देती है, अविनाशी पद की प्राप्ति करा देती है। मैया सुनीति ने ध्रुव जी को समझाया है, तमेव वत्साश्रय भक्तिवत्सलम् मुमुक्षु भृगुमुक्तये पदाब्जे पद्धतिम्, बेटा तू जा भगवान की शरण ग्रहण कर। तो भगवान की शरण क्यों ग्रहण करूं, क्या मेरे जैसे संसार से ठुकराए लोग ही शरण में जाते हैं? तो बोली नहीं नहीं, मुमुक्षु भी मृत्यते पदाब्जे पद्धतिम्, बड़े बड़े मुमुक्षु लोग उसके चरणों पर ढूंढ रहे हैं, तो मुझे कैसे मिल जाएंगे जब उन मुमुक्षुओं को नहीं मिले? तो मैया सुनीति कह रही है उन्हें मिले ना मिले पर तुझे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति वत्सल है, वो भक्त वत्सल है, इसलिए भक्तों को तो निश्चित रूप से मिलते हैं। मोक्ष कामियों को मिले ना मिले पर भक्तों को भी जरूर मिलते हैं। पर माता जी मैं उन्हें कैसे ढूंढूं, कैसे उनकी उपासना करूं? तो बोले अनन्य भावे निज धर्म भावते दृश्यवस्थाप्य, अनन्य भाव से उस परम पुरुष का भजन कर, निकल जा घर से, उसका आश्रय ले ले, उसका भरोसा ले ले, देख तुझे अभी वो मिल जाएगा। सुरदास जी का एक पद है, माताजी और कौन
दिखाई नहीं देता है आपके अलावा। आप ही परम समर्थ पुरुष हैं जो आश्रय दे सकते हैं, जो जीव को निभा सकते हैं, उसके शरण दे सकते हैं। आपके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। तो शरणागति रूप परम धर्म की शिक्षा ही कृष्ण शरणागति उनको सिखाई। क्योंकि देखो मार्ग वही पकड़ना चाहिए जिसमें चार चीजें हो। पहली चीज वो मार्ग अनादि होना चाहिए जो सदा से चला आ रहा है। तो भगवत प्राप्ति का मार्ग अनादि है, वो सदा से चला आ रहा है। दूसरी बात वो वैदिक होना चाहिए, वेद ही उसका समर्थन करें। तो भगवत भक्ति के मार्ग का वेद भी समर्थन करते हैं, ये वैदिक मार्ग की है, आध्यात्मिक मार्ग। तीसरी चीज वो शास्त्र संपन्न होना चाहिए और बड़े बड़े महापुरुषों ने उसका अनुकरण किया हो। तो भक्ति मार्ग का अनुकरण किसने नहीं किया? हमारे सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, मीराबाई हुई। भक्त मार्ग खोल के देखो सैकड़ों भक्तों की चर्चा है, तो उन्होंने भी इसका आश्रय लिया है। और चौथी चीज वर्तमान में भी कोई ना कोई इसका आश्रय ले रहा हो, तो आज भी भक्त लोग भक्ति मार्ग का आश्रय ले रहे हैं। तो ये चार चीजें केवल भक्ति मार्ग में घटित है, इसलिए भक्ति मार्ग का आश्रय ले। और भक्ति की जो महत्वपूर्ण सोपान है, सीढ़ी है, वो है शरणागति। बिना शरणागति के इस मार्ग में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए ध्रुव जी को कहा तो उनका आश्रय मन में धारण कर और चला जा जंगल में, तेरी वो निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, तुझे आश्रय प्रदान करेंगे। तो भैया आश्रय तो श्री ठाकुर जी का युगल सरकार का ही लेना चाहिए, संसार के आश्रय मिथ्या है। नैया लगा दे पार किशोरी, तेरी शरण Yeah.
हमारे में देवर्षि नारद जी मिले हैं। देवर्षि नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका सतत जाप करने के लिए कहा है। और ध्रुव जी महाराज को देवर्षि नारद जी ने सीधे यमुना याह तटम शुचि यमुना जी के किनारे भेजा। तो यमुना जी तो भाई दिल्ली में भी बह रही हैं, आगरा में भी बह रही हैं, प्रयाग तक जा रही हैं, कहाँ मैं भजन करूं? ध्रुव जी ने पूछा। तो नारद जी कह रहे हैं, बेटा पौर्णिम मधुबन यत्र, जहाँ पौर्णिमा मधुबन है यानी ब्रज भूमि में जाके भजन करना, धाम में उपासना करने का एक विशेष फल होता है। धाम में जो साधना की जाती है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। यहाँ ब्रज भूमि के श्री निम्बार्काचार्य भगवान ने अपने सिद्धांत प्रदीप ग्रंथ में तीन कारण बताए हैं कि ब्रज भूमि में उपासना क्यों करें। तो श्री निम्बार्काचार्य भगवान कह रहे हैं कि शीघ्रम भगवत प्राप्तत्वम, ब्रज भूमि में जो साधन किया जाता है, जो उपासना की जाती है, वो पहली बात तो वो बहुत जल्दी भगवान से मिलाती है। दूसरी चीज भगवत प्रियत्वम, भगवान को ब्रज से बहुत प्रेम है, वो उनका एक प्रिय स्थान है। और तीसरी बात आचार्य चरण कह रहे हैं सर्व तीर्थेभ्यः उत्कृष्टत्वम्, ब्रज भूमि जो है वो सर्व तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। ग्रंथों में चर्चा है, एक बार प्रयाग को तीर्थों का राजा भगवान ने बनाया तो सारे तीर्थ बधाई देने के लिए आए, आपको बहुत बहुत बधाई, आप तीर्थ राज बन गए। लेकिन ब्रज नहीं गया तो बड़ा बुरा लगा प्रयागराज को, और जाके भगवान से शिकायत की, बोले प्रभु दुनिया भर के सब तीर्थ आ गए मुझे बधाई देने के लिए, ये ब्रज क्यों नहीं आया? तो श्री ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, प्रयागराज मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। और ब्रज भूमि जो है वो तो मेरा नित्य निकेतन है, जो वो मेरा निजी घर है, तो आप ये अपेक्षा मत करो कि ब्रज भूमि भी आपके पास आए, ब्रज भी आए और आपको बधाई दे। आप तीर्थ राज हो, मेरे घर के राजा नहीं हो, ब्रज तो मेरा घर है। इसलिए निम्बार्काचार्य भगवान बोले सर्व तीर्थेभ्यः उत्कृष्टत्वम्, तीन विशेषता ब्रज भूमि की, एक तो भगवान को प्यारा है, दूसरा भगवान की अतिशीघ्र प्राप्ति कराने वाला है ब्रज, और तीसरा सब तीर्थों में सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि भगवान का साक्षात उनका निजी घर है। तो यहाँ भी सीधे यमुना किनारे जब संकेत किया तो समझ नहीं पाए ध्रुव जी यमुना जी के किस किनारे पर जाऊं, बोले पौर्णिम मधुवनम यत्र, जहाँ मधुवन है यानी ब्रज है, मथुरा है, वही जाना। हुआ भी वही, वहां 6 महीने तक उन्होंने साधना की है, जितनी जल्दी साधना सिद्ध हुई। और वहां वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में कि वृत्ति दिदृक्षयागत मधुवनम, मधुवन में 6 महीने की साधना के बाद स्वयं भगवान ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए आए, देने नहीं, ध्रुव का दर्शन करने आए। अब ध्रुव जी तो नेत्र बंद किए ध्यान मग्न है, श्री ठाकुर जी सबसे पहले वहां पहुंच गए हैं, दर्शन किया है, लेकिन जब तक नेत्र से नेत्र ना मिले इष्ट और सेवक के तो फिर बात कैसे बने? ध्रुव जी के नेत्र कैसे बने? तो ठाकुर जी ने क्या किया, उनके हृदयाकाश में जिस छवि पर उनके प्राण टिके हुए थे बस उस मनोहर छवि को खींच लिया। जैसे ही हृदय शून्य हुआ, छटपटाए, नेत्र खोले तो क्या देख रहे हैं, बहिस्थितम तदस्थम ददर्श, बड़ा आश्चर्य हुआ उस 5 साल के बालक को, आए मैं जिसको भीतर देख रहा था ये कब कब में बाहर निकल आया, बहिस्थितम ये कब कब में बाहर आ गया, चरणों में गिर पड़े गुरु जी महाराज। अब 5 साल के कुछ पढ़े लिखे है नहीं, कोई शास्त्र अध्ययन किया नहीं, वेद पढ़े नहीं, कैसे स्तुति करें, कैसे मनाएं? तो बस अपनी मैया की याद आई कि जब सुनीति माता
मुझे प्यार करती तो कभी मेरा हाथ चूमती, मस्तक चूमती, चरण चूमती, तो वैसे ही ध्रुव जी चरणों में गिरते, कभी वाम चरण चूम रहे, कभी दक्षिण चरण चूम रहे, और भुजई वाष्पशम दोनों हाथों से कस के चरण पकड़ लिए, क्योंकि कई बार मैया को जब जरूरी घर का काम हो तो वो बालक को छोड़ के चली जाती है। ध्रुव जी सोच रहे हैं इनको तो सारे विश्व ब्रह्मांड का काम है, अनंतानंद विश्व ब्रह्मांड का, ये कब छोड़ के चले जाए। दोनों भुजाओं से कस के पकड़ लिया, इच्छा हुई अब इनकी स्तुति करो, तो प्रभु ने अपना ज्ञान में शंख स्पर्श कराया है, उनको दिव्य ज्ञान हुआ। फिर वहां गुरु जी ने जो स्तुति की है ये बहुत ही प्रख्यात और बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है, जिसमें गुरु जी महाराज ने प्रभु से कहा है, भगवान हाथ छोड़ दिए, अभी तो हाथ से पकड़ रखा था चरणों को, अब चरण छोड़ दिए। बोले प्रभु अब तो मुझे ज्ञान हो गया। अरे ये कैसा ज्ञान हो गया, भगवान को छोड़ दिया इसने। तो गुरु जी कह रहे हैं प्रभु आप पर मुझे भरोसा कम है, पकड़ूंगा तो भी आप भागेंगे, तो आपको भागना होगा तो भाग जाएंगे, नहीं पकड़ूंगा तो भी आप भागने वाले नहीं, आप कृपा करें मुझे भक्तिम मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो, मुझे अपने ऐसे भक्तों में मेरी आसक्ति कर दो, मेरे मन को ऐसा चिपका दो, कैसे भक्तों में जिनके निर्मल अंतःकरण में भक्ति की धारा सदा प्रवाहित होती रहती है, उन भक्तों में मेरी दृढ़ आसक्ति कर दो। आसक्ति का मतलब अच्छे से मन मेरा उनमें चिपक जाए, भक्तों में मन चिपकने से क्या होगा। तो ध्रुव जी कह रहे हैं ये ना नित्य सौरपणम रुद्रसनम भवाब्धिम निश्चय भगवान कथा मृतपान भक्ता, हे नाथ भारी भवसागर की लहरों को कब पार कर जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ा लाभ भक्तों में आसक्ति होने से, वे कथा कीर्तन की नौका बनाएंगे, मैं उसमें बैठ जाऊंगा, फिर भवसागर की लहरें कोई विघ्न नहीं कर पाएंगी और मैं सहज में भवसागर से पार हो जाऊंगा। दिया जी ने भी यही कहा कि मैं क्यों कृष्ण गुण गाती हूँ, मैं तो गोविंद का गुण गा सियाराणा जी, राम नाम का झांझ चला भवसागर तर जा सियाराणा जी। बोले कृष्ण गुण गाने से भवसागर कब पार हो जाएगा ये पार करने वाले को भी पता नहीं चलेगा। मैं गोविंद का गुण गा सियाराणा जी, हरि मंदिर में नृत्य करा। अरे कोई आवश्यकता नहीं है बड़े बड़े साधनों की, ये व्रत करो, ये दान करो, ये तप करो और ध्यान लगाओ और योग करो। मीरा जी तो कह रही है मैंने कुछ नहीं किया, केवल नाची हूँ गाई हूँ और बस पायन भूर बांध के हाथ में लेकर का देखत ही हरिसों मिली तरण सम तज संसार। वृंदावन के बड़े ऊंचे रसिक आचार्य हुए हैं श्री व्यास जी महाराज, उन्होंने भी कहा नैन न पूरे ध्यान को अंग न कीने न्यास, नाच गाय रास ही मिले कर वृंदावन वास। वह अपने जीवन में कभी आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश नहीं, कभी कोई न्यास नहीं किया, बस नाच के और गा के प्रभु को पा लिया। कितनी सरल साधना है और कितनी उत्तम साधना है। हरि मंदिर में नृत्य करा श्याम, घूमैया चमका सियाराणा जी, मैं तो गोविंद का गुण गा सियाराणा जी, मेरा नाचने गाने का लक्ष्य संसार नहीं होना चाहिए। अरे नाचने को तो एक वेश्या भी नाचती है, पर उसके नाचने में लक्ष्य होता है संसार को रिझाना, और भक्त के नाचने में अंतर होता है, वो भगवान को रिझाने के लिए नाचता है। इसलिए मीरा जी ने कहा श्रीधर आगे नाचो, नाच नाच पिया
प्रेमी जन को जा ठाकुर के दो नाम ले तब सो, इतना तो कर ही सकते हो।
ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन संस्कार डालती हैं, जिनका चित्त पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, फिर संस्कार के अनुसार जीवन बनता है। ठाकुर जी का दो नाम लेने में 2 मिनट भी नहीं लगती, लेकिन आप इस तरह से संस्कार डालिए उनके अंदर। एक भक्त हुए हैं फरीद, छोटे से थे, बालक बगीचा बहुत अच्छा लगता है, तो इनकी माँ इनको गुड़ दिया करती है, इनके जब भजन करती तो कहती है राम जी तुझे गुड़ देंगे तू भजन कर। तो वो अपना नेत्र बंद करके 2-4 मिनट भजन करता, तब तक इनकी माँ वो गुड़ ले जाके आसन के नीचे छुपा देती। फिर जब भजन करके उठते तो कहते माँ कहाँ दिया राम जी ने गुड़, बोले अरे अपने आसन के नीचे देख तू। तो वो आसन उठा के देखता तो गुड़ मिलता, बड़ा खुश हो जाता। तो फिर माँ कहती देख ज्यादा भजन करेगा तो राम जी ज्यादा गुड़ देंगे। अगले दिन से 5 से 10 मिनट भजन हुआ तो गुड़ का और मोटा टुकड़ा रख दिया, अब तो और प्रसन्न है। तो माँ और भजन करूंगा तो और ज्यादा मिलेगा, और मुझे बिल्कुल और ज्यादा मिलेगा। तो धीरे धीरे भजन का समय बढ़ गया। एक दिन स्थिति यह हुई, सुबह से संध्या हो गई, फरीद ध्यान से नहीं उठे। आज तो माता जी ने बहुत बड़ा गुड़ रखा हुआ था, तो 24 घंटे हो गए इसको। आज जब ध्यान से उठे तो माँ ने कहा बेटा देख आज तो राम जी ने बहुत गुड़ दिया तुझे। तो बोले भैया अब राम जी ऐसे मीठे लग रहे हैं कि उसके आगे गुड़ फीका लग रहा है, अब ये गुड़ मीठा नहीं लग रहा। व्यास जी का एक पद है, जो तुरे राम लागते मीठे। अगर राम मीठे लगते तो संसार में कभी स्वाद नहीं आता, संसार कभी अच्छा नहीं लगता। पर जब तक राम जी मीठे नहीं लग रहे हैं तब तक संसार मीठा लगेगा। ये विषय अच्छे, ये पहचान है, अपने आप को हम जान सकते हैं कि अभी भगवान प्यारे लग रहे हैं या संसार ज्यादा प्यारा लग रहा है। संसार जब तक मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसका मतलब अभी भगवान में कोई प्रियता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। जिस दिन भगवान मीठे लगेंगे सब संसार फीका हो जाएगा, इसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो ये संस्कार डाले उन्होंने बाल्यकाल से, तो स्थिति कहाँ पहुंच गई। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से भक्ति की शुरुआत होती है और वो ले जाती है पराकाष्ठा। ध्रुव चरित्र श्रवण कराया है, इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए हैं, जिनसे वेन नामक दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ। वेन को ऋषियों ने समाप्त किया, उसके शरीर को मथा गया, जिनसे स्वयं भगवान ने प्रभु जी के रूप में अवतार धारण किया। बोले श्री प्रभु जी महाराज। प्रभु जी महाराज एक ऐसे राजा हो गए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर राजधर्म की शिक्षा दी है, सारी प्रजा का इन्होंने रंजन किया है। संकादिक मुनीश्वर से प्रभु जी ने ज्ञान उपदेश प्राप्त किया है। आगे इनके वंश में प्राचीन वही राजा हुए हैं जिनको देवर्षि नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान का श्रवण कराया है और उनको भगवत सिद्धि की प्राप्ति हुई है। तो उत्तानपाल का वंश वर्णन करने के बाद परीक्षित जी की जिज्ञासा पर सुखदेव जी महाराज ने फिर वहां से आगे प्रियव्रत जी का चरित्र सुनाया है। राजा प्रियव्रत गृहस्थ धर्म नहीं चाहते थे, लेकिन इनको ब्रह्मा जी की आज्ञा से गृहस्थ धर्म स्वीकार करना पड़ा। 10 पुत्र हुए, उनमें एक आग्नित्र थे, आग्नित्र से नाभि हुए हैं और नाभि के यहाँ उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में अवतार धारण किया है। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी श्रेष्ठ गुणों के कारण उनका नाम ऋषभ हुआ। इनका जो उपदेश है ऋषभोपदेश, वो भागवत जी में बहुत ही सुंदर उपदेश है, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अभी राधिकेश जी का रसिया होगा और कल संभवतः कथा का चतुर्थ दिवस है। कल चतुर्थ दिवस है, यद्यपि अभी क्रमानुसार तो कथा काफी पीछे है, लेकिन कल हम सब लोग कृष्ण जन्मोत्सव करेंगे, ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, नंदोत्सव मनाएंगे, क्योंकि समयानुसार सूक्ष्म चर्चा ही इन सब विषयों पर हो पाएगी। तो संक्षेप से कथा का क्रम श्रवण करेंगे
और फिर नंदोत्सव मनाएंगे, कृष्ण जन्मोत्सव। तो आप सभी लोग पधारें और ठाकुर जी के इस जन्मोत्सव का आनंद लें। आरती के ऊपर राधिके जी का एक रसिया होगा, ब्रज रस, ब्रज के रसियाओं में भरा हुआ है, तो थोड़ा सा ब्रज रस का आस्वादन भी जरूरी है। तो रसिया के माध्यम से हम सब लोग आनंद लेंगे और फिर आरती होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे जो नंदन है उनका कैसा स्वरूप है, ऐसा रूप है। एक रसिक हुए श्यामा सखी, उन्होंने इसका वर्णन किया, जिन्होंने अनेकों लोगों के चित्त का हरण कर लिया, मन को चुरा लिया, मन को खींच लिया अपनी तरह। कैसा रूप है उनका, कजरावे नेत्र हैं जिनके, कह रहे हैं ऐसा कौन सा जादू तुम्हारे नेत्रों में भरा हुआ है। तुम तो हंसते हो और लोगों का जीवन तुम्हारे ऊपर न्योछावर हो जाता है। तेरी तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से खोना। निकल गया वो मन, हाथ से निकल गया। एक ही मूल्य है मन को दे रहे हैं भगवान को। एक बार जो रूप देख लेता है भगवान का, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, ये सुंदर शाम सरोना है, श्यामा सखी नचा देती। तो ये तो ब्रज में जगत के लिए होगा भगवान, लेकिन ब्रजवासियों के लिए तो ये खिलौना है, गोपियों के लिए खिलौना है। सभी लोग बोलेंगे रसिया बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही मेरे मन में
सब भाग जाएंगे। तो वैसे ही गोपी कह रही है कि जब से आपका मैंने रूप देखा है तब से मोहे लगे मोहे लगे हर बार सरणी मारो मोहे Thank you.
Thank you.
पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकम् महिमानः सजन्तचित्रपूर्वे साध्याः संस्थिदेवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम् ग्रहाणः परमेश्वर श्रीप्राणपुरुषोत्ताय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीवेदव्यासजी महाराज की जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय महारानी की जय बल सरकार की महाराज की आज के अन्न की श्री पार्वाचार्य भगवान की जय जय श्री Oh,
Jaya Jaya Guru.
राधा कृष्ण बिहारी भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री हंस भगवान की जय। श्री शंकरदेव भगवान की जय। श्री नारद मुनि भगवान की जय। श्री ब्रह्माचार्य भगवान की जय। श्री निवास आचार्य महाराज की जय। श्री भट्ट देवाचार्य महाराज की जय। श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जय। जगत गुरु मार्ग पिता जी और श्री श्री जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदा देवी की जय। भक्ति देवी की जय। यमुना महारानी की जय। राधा गुरु श्यामकुंड की जय। श्री राधा गिरधारी की जय। श्री निर्माण धाम की जय। श्री वर्षावा धाम की जय। श्री नंदगांव धाम की जय। श्री ब्रज मंदिर धाम की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आरंभ की जय। जय 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 जय।